क्लास का हिंदी पढ़ रहे हैं हम। क्षितिज में काव्य खंड सात का छाया मत छूना। इसके जो कवि है उनका नाम है गिरिजा कुमार माथुर। तो सबसे पहले हम गिरिजा कुमार माथुर जी का जीवन परिचय देखेंगे। माथुर गिरिजा कुमार नई कविता के सशक्त कवि है और आपका जन्म 1918 में मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान पर हुआ और आपकी जो शिक्षा की शुरुआत वह हुई झांसी में। इन्होंने एमए अंग्रेजी और एलएलबी की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त करी और वकालत से आजीवकता प्रारंभ कर बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में अधिकारी बने और सन 1994 में माथुर जी का देहांत हो गया। आपकी रचनाएं हैं काव्य रचनाएं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये गिरिजा कुमार माथुर जी की काव्य रचनाएं हैं। आपने बहुत से नाटक भी लिखे हैं, उसमें है प्रमुख जन्म कैद। आलोचनाएं भी करी हैं सीमाएं और संभावनाएं। अब हम देखेंगे गिरिजा कुमार माथुर जी की कुछ काव्यगत जो विशेषताएं हैं। तो गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में नवीनताएं हैं, रोमानी भावबोध के कवि हैं और उनकी पहुंच मानव मन की गहरी संवेदनाओं तक है। छाया मत छूना में उन्होंने अपने गहरे भावबोध को व्यक्त किया है। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी है किंतु वे जीवन की निराशाओं से हार मानने वाले नहीं बल्कि उसे नित नए रूप में ढालने के पक्षधर है। भाषा शैली गिरिजा कुमार माथुर की काव्य भाषा में सहजता है। आंचलिक शब्दों का भी प्रयोग सजीव किया है, सजीव और स्वाभाविक है। देशज शब्दों के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग निसंकोच हुआ है। वर्णात्मक और वैचारिक शैली है जिसमें उक्तियों का सहारा लिया गया है। कुंठाओं के चित्रण में व्यंग प्रधान शैली है। अब हम इस पाठ का छाया मत छूना का संक्षिप्त परिचय देखेंगे कि इस कविता छाया मत छूना में मनुष्य को छाया से बचकर रहने की प्रेरणा दी है। ये कौन सी छाया है जिनका यहाँ पर वर्णन किया गया है? अतीत या पुरानी यादें और बड़े बड़े सपने, क्योंकि कवि कहते हैं कि पुरानी यादों और बड़े बड़े सपनों से जीने में दुख बढ़ते हैं। माना कि पुरानी यादें बहुत सुहावनी होती है, उनकी मीठी मीठी यादों में बीते हुए क्षण जीवित होते हैं, परंतु वे हमारे अभावों को तरोताजा कर जाते हैं, इसलिए उनसे बचकर रहना चाहिए। जैसे कि इस संसार में यश वैभव मान संपत्ति सब क्या है, सपने हैं, ये सब एक तरह की छाया है जो आते और जाते रहते हैं, जो कभी स्थिर नहीं रहते, जो वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ऊंची संपन्नता प्रभुता को प्राप्त करना भी मृग तृष्णा के समान व्यर्थ है। हर सुख में एक दुख छिपा है, इसलिए सपने में जीने की बजाय हकीकत में या यथार्थ में जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि वर्तमान जीवन में दुख है, मानसिक कष्ट है, बहुत अभाव है, तो भी उन्हें भूलकर आगे की परवाह करनी चाहिए। छायाओं में भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। पुराना
लाभ है छाया मत छूना का सार या सारांश कि छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है और विगत में सुख को याद कर वर्तमान में दुख को और गहरा करना तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे दुख ढूंढना पड़ता है। विगत की सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता अतीत की स्मृतियों को भूलकर वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्णन करने का संदेश देती है। वह यह बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। अब हम पद है पद पहला इसका पढ़ेंगे। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी कुंतल के फूलों की याद बनी चादर। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब हम इसके जो शब्दार्थ है इसको देखेंगे कि छाया जो वास्तविक नहीं है जो काल्पनिक है, भ्रम दुविधा, दूना का दुगना, सुरंग सुंदर रंगों वाली, सुंदिया या यादें या स्मृति, सुहावनी जो मन को प्रसन्न कर दे या मन को सुहाने वाली, छवियां यादों में बसे रूप और दृश्य, चित्र गंध और चित्र के साथ साथ उसकी गंध का होना। फिर है मन भावनी मन को अच्छा लगने वाला, तन शरीर यामिनी जात, कुंतल केश या बाल, छुआन स्पर्श या छूना, जीवित क्षण जीता जागता अनुभव, यश सम्मान वैभव सुख। अब हम इस पद्यांश की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो संदर्भ की प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कविता छाया मत छूना से ली गई हैं और इसके कवि गिरिजा कुमार माथुर हैं। प्रसंग है कि जो उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने छाया छूने अर्थात पुरानी मीठी यादों में जीने से मना किया है, क्योंकि पुरानी जो अच्छी मीठी यादें हैं उन यादों में जीने का परिणाम दुखमय होता है। ऐसा करने से हमें अपना वर्तमान और अधिक खाली प्रतीत होता है। अब इसकी व्याख्या में कवि माथुर जी कहते हैं कि हे मेरे मन तो छाया को मत छूना, अर्थात कि जो पल बीत चुके हैं जो समय गुजर चुका है तुम उनकी यादों में मत जियो, उनको याद मत करो, क्योंकि उनको याद करना बेकार है, वह तो समय लौट कर नहीं आएगा। तो जो समय बीत गया है वो सब क्या है, यथार्थ नहीं है, कोरी कल्पनाएं हैं, उनमें भी ना जीना नहीं तो दुख और अधिक बढ़ जाएंगे, अर्थात दुख दुगना प्राप्त होगा। फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारा अतीत बहुत अच्छा रहा तो पुरानी और वर्तमान और भविष्य के बीच में हम कि पुराना समय कितना अच्छा था, आज देखो हमको इतना दुख या हम इतने परेशान है। इसलिए कवि कहते हैं कि पुरानी जो बातें हैं उनको याद नहीं करना चाहिए।
माना कि तुम्हारे जीवन में अनेक रंग बिरंगी मीठी यादें, पर उन्हें याद करके तुम्हारे मन में न केवल मन भावन चित्र उभरते हैं, बल्कि उसके साथ लगे सुहावनी सुगंध भी तुम्हारे तन मन को मस्त कर देती है। तुम अपनी प्रिया की यादों में जीकर उसके तन की सुगंध महसूस कर लेते हो। चांदनी रात देखकर अपनी प्रिया के केशों में गुथे हुए फूलों की याद आ जाती है, परंतु तारों भरी चांदनी रात अब क्या हो चुकी है, बीत चुकी है। अब तो देह की सुगंध भी शेष रह गई है और बालों में लगे फूलों की याद चांदनी बन गई है। अर्थात जो सुख का समय था वह अब निकल चुका है या बीत चुका है। अब तो उसकी चांदनी जैसी मधुर यादें ही बाकी रह गई हैं। इस प्रकार भूला हुआ हर क्षण तुम्हारे सामने मानो जीवित होकर साकार खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी ये यादें छाया ही है। इन छायाओं में जीकर मन को दुगना दुख मिलता है, अतः इनसे बचना चाहिए। इसकी विशेषताएं है, काव्य सौंदर्य है कि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया, जो शब्द योजना में आकर्षक है, सुरंग और सुधी और सुहावनी में अनुप्रास अलंकार है, और अतीत की स्मृतियां दुखदायी होती है पर बताया गया है। अब इसी के पद से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर है, उनको पढ़ेंगे हम। हाँ। तो पहला प्रश्न है कि कवि ने छाया शब्द का क्या अर्थ बताया है और इसे छूने से मना क्यों किया। इसका उत्तर है कि छाया शब्द का आशय अतीत या बीते समय की सुखद स्मृतियों से है, जो मानव के मन में छिपी रहती है। कवि ने छाया छूने अर्थात पुरानी जो सुखद और मीठी यादों में जीने से इसलिए मना किया है क्योंकि इससे हमारे अभाव फिर से हरे हो जाते हैं। हमें पुराने लोग पुराने क्षण वापस मिलते तो नहीं, हाँ वे एक भूख सी या एक पीड़ा सी अवश्य छोड़ जाते हैं। हमें अपना वर्तमान और अधिक खाली प्रतीत होने लगता है। फिर है दूसरा कि छाया छूने का परिणाम क्या होता है और क्यों। तो छाया छूने अर्थात पुरानी यादों को में जीने का परिणाम दुखमय होता है। हम पुराने दिनों के तल या लद जाने पर दुखी हो जाते हैं। हम अपने वास्तविक दुखों को याद करके अपने वर्तमान जीवन को और अधिक दुखी और अभावग्रस्त बना लेते हैं। प्रश्न तीसरा है कि छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका तात्पर्य है कि जब हम पुरानी यादों में जीते हैं तो हमारे सामने न केवल बीती हुई सुखद मीठी यादें दृश्य सामने आ जाते हैं, बल्कि उन क्षणों की सुगंध भी तरोताजा हो जाती है। फिर चौथा कि चांदनी को देखकर कवि को किसकी याद आती है और क्यों। तो चांदनी को देखकर कवि को अपनी प्रियतमा के केशों में गुथे हुए फूलों की याद आती है। इस प्रकार उसे अपने प्रेम के स्वभाव में दिनों की भी याद आ जाती है और इस उक्ति में जीवन के व्यर्थ में बीतने की निराशा व्यक्त हुई है। फिर प्रश्न कि भूली सी इच्छुवन किस प्रकार जीवित क्षण बन जाती है। तो जब हम अपने बीते हुए अतीत के मीठे दिनों को याद करते हैं तो एक भूली हुई बातें हमारे मन को बलबल सी आकर छू लेती है और ये छुअन
परीक्षण हमारे पुराने दिनों को हमारे सामने जीवित कर देते हैं। फिर है कि काव्यांश मनुष्य के लिए क्या संदेश देता है। तो छाया मत छूना काव्यांश में मनुष्य के लिए निहित संदेश यह है कि वह अपने जो बीते समय, जो सुखपूर्ण समय था, उसको याद करने के बजाय जो वर्तमान की परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए कि पुराने समय को याद करके समय व्यर्थ क्यों करना। यथार्थता में जो वर्तमान है उसमें अपने परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर जीवन में आगे बढ़ते रहना है।